कोरोना वायरस को लेकर के देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा फेज खत्म ही होने वाला था कि तीसरे फेज का ऐलान हो चुका है। और लखनऊ उत्तरी क्षेत्र की शालिनी जी के साथ इस समय है, जो कि डीसीपी हैं उत्तरी क्षेत्र की, और मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिस तरह से पुलिस के जवान डटे रहते हैं, उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और आम पब्लिक है कि कभी कभी मानने को भी तैयार नहीं होती है, उनको लेकर के भी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। देखिए, दिक्कतें ये तब हमारे सामने, हमारे लिए चैलेंज यही है कि पब्लिक को समझाना। कई बार पब्लिक अपनी नहीं समझ पाती है, वो चाहती है कि हम घूमने के उद्देश्य से निकल जाएं, या उनको लगता है कि घर में बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, थोड़ा बाहर जाया जाए। बट हम ये नहीं समझते हैं कि हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हम कोरोना कैरियर हो सकते हैं, हम अपनी ये बीमारी अपने परिवार में फैला सकते हैं हमारी चरा सी चूक से। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज होता है कि पब्लिक को जब समझाया जाता है तो वो जानबूझ के समझने ना समझने की जो है नाटक करते हैं। बिल्कुल, इस तरह से। और हालांकि इस चीज़ का हमने कई बार पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर पुलिस जवानों की बात करें तो कोरोना योद्धा के रूप में जिस तरह से तैनात रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी निभाते हैं, वो फिर चाहे हॉट स्पॉट एरिया के अंदर की बात करें या फिर क्वारंटाइन सेंटर के बाहर, दोनों जगह अपनी मुस्तैदी से पूरी तन्मयता के साथ ड्यूटी पर तत्पर रहते हैं। मैम, सबसे पहले आपको ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महिला जवान भी ड्यूटी पर कार्यरत रहती हैं, आप भी एक महिला हैं, तो उनके सामने किन किन चुनौतियों का, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, तो मेन क्या चुनौतियाँ होती हैं उनके लिए? देखिए, कोई सच मुझे नहीं लगता किसी के सामने कोई चुनौती है। आजकल जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो सब जो है अपना फील्ड में अपनी छवि बना चुकी हैं और बराबर आधार पे हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनके लिए बेसिक जो एक छोटी समस्या जो हमारे सामने आई थी, जो खास तौर से महिला पुलिसकर्मी के लिए जो नीचे लेवल की होती है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है शौचालय की, तो क्वारंटाइन सेंटर के बाहर मैंने देखा था कि वहाँ महिला को पुलिस थी लेकिन आसपास कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो तत्काल हमने नगर निगम से बात करके वहाँ पर हमने एक मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कराई ताकि हमारी लेडी कॉन्स्टेबल्स को जो ये बेसिक नीड है इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। क्षेत्र में जो पुलिस जवान तैनात हैं उनके लिए आपके क्षेत्र में किस तरीके से सैनिटाइजर, मास्क या अन्य किट की जो है किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई है? देखिए, सभी बैरियर्स पे, सभी जो गाड़ियां हैं, सभी चेकिंग पॉइंट्स पे हमारे द्वारा जो है सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड और पॉलीकार्बोनेट शील्ड एंड ये सभी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इसके अलावा पीपी किट जहाँ पे जैसे हॉटस्पॉट एरिया है या गाड़ियों में भी इस तरह से रखा गया है, क्वारंटाइन सेंटर के बाहर भी इनको रखा गया है ताकि आवश्यकता अनुसार कभी भी इसको इस्तेमाल किया जा सके। क्षेत्रीय जनता को कोई, आप क्षेत्रीय जनता के साथ ही साथ देश और प्रदेश की जनता को कोई संदेश देना चाहती हैं? बस यही संदेश है जिसके लिए प्रधानमंत्री से लेके हमारे मुख्यमंत्री तक और सभी शासन के अधिकारी जो इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग घर में रहें। आपके घर में रहने से जो कोरोना की चेन फैल सकती है वो आपके घर में रहने से टूट सकती है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए अपने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए इस प्रेरित करें कि घर में रहें, अनावश्यक हर एक छोटा सामान लेने के लिए बाहर ना निकलें। तो ये थी हमारे साथ लखनऊ उत्तरी की डीसीपी शालिनी जी, जिन्होंने साफ तौर पे आप लोगों से आग्रह किया है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और ये हमारा भी आपसे अनुरोध है और आग्रह है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप अपनों के लिए बेहद खास हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ योगेश पांडे, आईबीएन भारत, लखनऊ।